सबसे पहले मैं आप सबको मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम के अंदर। तो आज क्लास टू ऑफ फॉर जनरल साइंस यूनिट नंबर 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करनी है। पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की खूबियाँ क्या होती हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के, पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं। पार्ट्स बोलते हैं हिस्सों को, पार्ट्स बोलते हैं हिस्सों को प्लांट्स पौधों के। एक पौधे के कौन कौन से हिस्से होते हैं, आज हम उनकी बात करनी है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूनिट नंबर 3 क्लास 2 जनरल साइंस। तो कोई भी चीज है तो वो बगैर हिस्सों के कंप्लीट नहीं होती, बगैर पोर्शन के, बगैर टाइप्स के कंप्लीट नहीं होती। तो ये जो पौधे होते हैं ये किन चीजों से मिलकर बनते हैं, इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पर ये जो पौधा होता है नंबर 1 के ऊपर रूट्स से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनता है, रूट्स से। ये जो है पौधे की रूट्स, रूट्स जड़ों को बोलते हैं। तो रूट्स से मिलकर बनते हैं, तो पार्ट आ गया रूट्स। रूट्स क्या काम करते हैं, ये पौधे को खुराक, पानी, नमकियात वगैरह हासिल करने में मदद देती हैं। खुराक, पानी, नमकियात वगैरह हासिल करने में मदद देती हैं रूट्स। इसके बाद आता है स्टेम, तना। इसके बाद क्या आता है, स्टेम। ये जो तना है, ये क्या तना, ये तना क्या काम करते हैं, स्टेम ये क्या वर्क करता है। द स्टेम ग्रोज अबव द सोइल, ये मिट्टी के ऊपर ग्रो होते हैं। ये इनर द सोइल होते हैं, मिट्टी के नीचे होते हैं। और ये जो तना होता है अबव द सोइल, ये मिट्टी के ऊपर होते हैं। और ये काम क्या करता है, तो ये इसको रिजिडिटी देता है, इसको एक कद देता है, इसको एक जसामत देता है। आगे इसके बाद हमारे पास लीफ, लीफ बोलते हैं पत्ते को। लीफ किसे बोलते हैं, पत्ते को। तो लीफ क्या काम करते हैं, ये खुराक तैयार करने में हेल्पफुल होते हैं, फूड फैक्ट्री इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री, खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्री भी इन्हें हम बोलते हैं। किनको, लीफ को, पत्तों को। तो पत्ते पौधे के फूड फैक्ट्रीज होती हैं कि यहाँ पर पौधे अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं सूरज की रोशनी से, और उसकी मौजूदगी के अंदर फिर क्या काम करते हैं कि ये खुराक को आगे तैयार करते हैं और फिर पूरे पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो मेन पार्ट है, मेन हिस्सा, वो है फ्लावर। फ्लावर बोलते हैं फूल को। फ्लावर किसे बोलते हैं, फूल को। तो ये जो फूल है इसका भी अहम किरदार होता है कि किसी की वजह से खुराक तैयार होनी होती है। ओवरीज के अंदर ये ही तैयार होते हैं जिससे मेन खुराक तैयार होनी होती है। तो ये मेन हमारे पास वाले चार हिस्सों की बात की है। रूट्स, ये जेरे जमीन होती हैं और ये एक तरह ये देती रहती है, और एक नीचे से पानी मुखिया पौधे को लेने के अंदर हेल्पफुल होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेम, तना। ये तना क्या काम करता है कि ये एक तदावर देता है और इसको मजबूत भी देता है, रिजिडिटी देता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं लीफ, पत्ते। पत्ते क्या काम करते हैं, ये फूड फैक्ट्रीज होती हैं, ये खुराक तैयार करने में आपको किरदार अदा करती है। उसके बाद होते हैं हमारे पास फ्लावर, फूल। फूल क्या काम करते हैं, ये खुराक तैयार करने में हेल्पफुल होता है। तो आज लेक्चर में हमने बात की पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे काइंड ऑफ प्लांट्स।